अलजेब्रा एक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है? देखो, लेट्स स्टार्ट विद फैक्टराइजेशन। तो अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये क्या होता है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है एक्सपेंशन। क्या बोला जाता है? एक्सपेंशन। और यहाँ से यहाँ आने वाले प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का बेसिक डेफिनेशन लिख लो आप। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन? सो फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस, लिखो, इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन इनटू फैक्टर्स सेपरेटेड बाय ब्रैकेट्स। What is the factorization? Factorization is a process to convert convert algebraic expression into factors separated by brackets. Is it clear? क्या ये चीज clear है हमको? Okay. नेक्स्ट, तो अब फैक्टराइजेशन जो हम करना चाहते हैं, तो फैक्टराइजेशन करने का तीन बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला आपको मालूम है। क्या क्या फॉर्मूला आपको मालूम है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, सारा उल्टा सोचना है आपको, ठीक है ना? व्हाट वाज दिस, यू टेल मी दिस, x * x + y क्या होता है? x2 + y2। x2 + xy, यस। अच्छा, यस। अब इसी का उल्टा प्रोसेस क्या है? फैक्टराइजेशन है। क्या है? Factorization. Now what we have done, we have factorized into a monomial. This is a monomial. And this is a binomial. Yes, sir. ठीक है ना? तो पहले जो आपने पढ़ा वो algebraic expression में पूरा expansion पढ़ा था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो factorization पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि for example, ऐसा लिखा x square plus x y, इसका factorization मुझे अगर करना है तो कैसे करेंगे? तो पहले मैं थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका चेंज करूंगा। ये x into x लिखा है और ये x into y लिखा है, यस yes? तो क्या मैं दोनों में से x कॉमन निकाल सकता हूँ? x और x बाहर आ जाएगा, दैट विल बी x into x plus y। डू यू अग्री? ऐसे ही होता है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। सो दिस x गेट्स मल्टीप्लाइड टू दिस एंड दिस गेट्स मल्टीप्लाइड टू दिस। यस यस सर। अच्छा, चलो थोड़ी बहुत फैक्टराइजेशन आप मुझे करके बोलो, ठीक है ना? लेट्स गो विद सम फैक्टराइजेशन, यू डू इट फॉर मी। लेट्स गो राइट अ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सर, एक्स फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई स्क्वायर। एक और क्वेश्चन ये करो मैं भी, आप 20a4b³ माइनस 10b³ प्लस 5b² सर, 5b² फिर ब्रैकेट में 4a⁴ b माइनस 2b प्लस 5। करेक्ट, 5b² बाहर निकाल लिया आपने, 4a⁴ b माइनस 2b प्लस 5 प्लस 1 आएगा। अच्छा, ओके, यस यस। चलो एक और क्वेश्चन ले लेंगे हम, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम जा रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, कि आगे इसको हम और फटाफट करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना? सर, आपने प्लस वन क्यों किया उस वाले में? क्योंकि बेटा देखो इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा आप ऐसे समझो, इसके पास क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 5, 4, 4a है, यस सर, 3b है, यस
नेक्स्ट उसमें माइनस टेन है, इसको फिर लिख सकते हैं माइनस टू इंटू फाइव, और उसके बाद तीन बी है, इसमें एक फाइव और दो बी है, ठीक है ना? Yes. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक फाइव निकालता हूँ, हाईएस्ट कॉमन विच कैन कम आउट, और यहाँ से दो बी बाहर आ सकता है, ये फाइव और दो बी, ये फाइव और दो बी, इतना बाहर निकाल लिया सब में से कॉमन, शेयरिंग करें इन्होंने बाहर सब में मिला के, बचा क्या फोर, ये फोर और एक बी बच गया, यहाँ पे टू बी बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ वन बचा, कुछ भी नहीं है ना, वन। ओके सर, यस सर। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, लिखो उसको आप, टू ए एक्स माइनस वाई प्लस थ्री बी फाइव एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फोर सी एक्स माइनस टू वाई, सही इज इट क्लियर? यस सर। इसका फैक्टराइजेशन करना है। हाँ, जैसे फैक्टराइज ये एक्सपेंडेड टर्म में लिखा हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, इसको फैक्टराइज करना है। सर यस बेटा, एक्स माइनस वाई फिर ब्रैकेट में टू ए प्लस फिफ्टीन बी प्लस एट सी, वेरी गुड, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट टू ए, और यहाँ से फाइव निकलेगा बाहर, तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन बी एट सी, वेरी गुड, सबको पता चल गया ये क्या किया हमने? यस यस सर। ये वाला यस सर। अब देखो दूसरा, दूसरा जो फैक्टराइजेशन होता है ग्रुपिंग वाला, ये मेथड ये एक हो गया फर्स्ट फैक्टराइजेशन, ठीक है ना? दूसरा जो फैक्टराइजेशन होता है दैट इज बाय ग्रुपिंग, वो ग्रुपिंग से करते हैं। इसमें कैसे होता है, लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई, ये फैक्टराइज बोल रहा है करने को, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई, उत्कर्ष सब समझ आ रहा है? उत्कर्ष पंथ को सब समझ आ रहा है? पंथ यस सर। ओके, वैनिया को भी सब समझ आ रहा है? वैनिया यस सर। ओके कशिश, सर x प्लस वाई फिर ब्रैकेट में x प्लस एट, वेरी गुड। देखो क्या करेंगे हम, पहले दो में से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, x निकल रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई बच गया, फिर यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, एट निकल रहा है, फिर क्या बच गया, x प्लस वाई बच गया। अब इन दोनों में देखा जाए तो x प्लस वाई मल्टीप्लाइड है, वो कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, जैसे आपने x प्लस वाई बाहर निकाल दिया मल्टीप्लीकेशन वाला, तो क्या बच गया, x प्लस एट बच गया, so now the factorization is x plus y into x plus 8. Yes sir. Is it clear? Yes sir. Yes sir. Okay, let's take down one more question. एक और question ले लेते हैं हम, first हो गया, second 3n square plus nm plus 2m
प्लस एक्स एन सर 3n+m फिर ब्रैकेट में 2+n। वेरी गुड। देखो इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, n निकाल सकते हो। तो 3n+m+2 कॉमन निकालेंगे, m प्लस 3n, यही चीज़ लिखी हुई है ना, ए बी लिखा हो या बी ए लिखा हो, इसे बना द सेम थिंग। तो अगर 3n+n आपने कॉमन निकाल लिया, 3n+m आपने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, n+2। इज इट क्लियर? यस सर। ओके एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। 7x² + 2xy + 63x + 18y। सर 7x+2y ((x+9)। 7x+2y ((x+9)। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 बाहर निकल जाएगा 7x+2y। सही है, ये कितना बन जाएगा आपके पास, 7x+2y ((x+), नोट कर लो इसको। यस सर। नेक्स्ट, तो दिस इज बेसिक टेकिंग ऑफ मेथड। अब तीसरा मेथड हम देख लेते हैं। तीसरे मेथड में क्या होता है, इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। थर्ड मेथड इज नथिंग बट हर मेथड अपने क्वेश्चन के लिए बनी हुई है। थर्ड मेथड में क्या होगा, यू वुड हैव डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर। क्या होगा आपके पास, डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स यू विल हैव टू डू। जैसे कि a² - b² लिखा, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, आपको माइंड में ऐसा नहीं आया सर यहाँ से यहाँ कैसे जाने का सोचा, आपको कैसे जा सकते हो आप, हाउ कैन यू गो। माई क्वेश्चन इज, अभी तक ऊपर वाला तो हम जैसे कर रहे थे वो करके आ गए, है ना, दिख रहा था कॉमन, यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहां पे फैक्टराइजेशन कैसे करना है सर। भाई ये फॉर्मूला है, कहीं से तो आया है, कैसे आया है, आपको क्वेश्चन मार्क नहीं आया माइंड में, ये कैसे आया सर। आपने बोला यहां से यहां जाओ, यस आपने बोला राइट टू लेफ्ट जाओ, यस यस, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एक्सपेंशन आएगा, लेकिन अगर सिर्फ फैक्टराइजेशन सीखना हो तो कैसे करेंगे इसका। तो देखो इसको कैसे करते हैं, देखो x² - a² लिखा है, इसको लिखो x² + ax - ax - a² Do you agree? Yes, sir. ये कितना हो जाएगा x common x + a - a x + a। Agree? x + a बाहर निकाल दिया, क्या बच गया x - a। समझ गया आप? So can you explain the second step again? What did I do is I have added ax and I have subtracted ax. By adding 2 and then subtracting 2, does that change the question? No, it does not. No, sir. What did I do? I have added ax and I have subtracted ax. Okay? तो फिर मैंने x common निकाल लिया, तो x + a बच गया, और फिर दूसरे में से मैंने -a बाहर निकाल दिया, तब भी x + a बच गया। ठीक है? Yes? समझ गए आप?
So I still didn't understand this. What did we do, Vanya? We have added this and we have subtracted this. Okay, we have added ax and we have subtracted ax. Why we did we do Yes, that? sir. So that when I club two terms, we have x common, and when I club these two terms, I have a common. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Should we do questions now? Let's go for the question. Yes, sir. 25 m square minus 10. सर नाइन है जी है नहीं है, नहीं है। सर 25 m² प्लस 9 फिर 25 m² माइनस 9 25 m स्क्वायर कैसे बना हुआ है? दिस इज 5 m का होल स्क्वायर, दिस इज -3 का होल स्क्वायर, इट विल बी 5 m -3 एंड 5 m plus 3, yes. Yes, sir. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Next question, important one. X की पावर 4 माइनस y की पावर, इसको फैक्टराइज करो आप. फैक्टराइज. सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत सही बताया आपने. यस एग्रीड. फिर अभी भी बचा हुआ है फैक्टराइजेशन, देखो अभी भी कर सकते हो. सर फर्स्ट वाले का तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा पर लेकिन सेकंड वाले का नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, इसका फैक्टराइजेशन ही नहीं होगा, तो यू हैव टू लीव दैट एज इट इज. ओके, एक्स यस सर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमें मालूम ही नहीं ना फैक्टराइजेशन, हमने अभी तक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखा है ना, या कुछ कॉमन लिटरल्स बाहर निकल रहा होगा तो निकालेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है ना. इज इट नहीं क्लियर? सर कुछ नहीं ओके, इसको जबरदस्ती करना हो ना तो कर सकते हैं, जबरदस्ती करना हो, लेकिन इधर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना. जबरदस्ती कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसको यहाँ, यस सर ठीक है ना. फोर्थ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? ए प्लस सर ए प्लस बी इसका स्क्वायर यस, दैट यस इज ए प्लस बी इनटू ए प्लस बी, डू यू अग्री? यस यस, सर वैसे ही ए यस स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? ए ए माइनस माइनस बी होल ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, अरे ए माइनस बी इनटू ए बी, माइनस बी ठीक है ना. तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या बोले जाते हैं ये वाला, ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना.
सेम ये भी परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिया है आपको, फैक्टराइज। वेट सर 2 मिनट्स। यस नाउ क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने, करो एक बार इसको। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन वेट 2 मिनट्स। सर 8p^4 -9। पावर बढ़ कैसे गया, पावर कैसे बढ़ गया, सर 2 मिनट्स। पावर तो कम होना चाहिए ना, पावर आपने बढ़ा दिया, फोर पावर कैसे आ गया। सर p 4p - 24q होल स्क्वायर है ना, मतलब +3q2। यस ये सर कर थ्री रहा है, क्यू होल स्क्वायर। पहले आइडेंटिफाई करो ये 4p का होल स्क्वायर लिखा है, फिर ये देखो अगर आपका 3q का होल थ्री स्क्वायर क्यू था, होल स्क्वायर। यस सर दिस इज दो स्क्वायर तो 24dq। बन गया। तो फॉर्मूला में दो स्क्वायर चाहिए और टू टाइम्स इनका प्रोडक्ट होना चाहिए, तो टू टाइम्स क्या 4p और 3q है, हाँ है, यस सर नेगेटिव के साथ है, ओके नेगेटिव के साथ है, उसको एक्सेप्ट किया हमने, तो 4 to the 12, 8 to the 24, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4p - 3q का। ठीक यस सर सर 2 मिनट्स। है, यस सर डन। ओके नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, क्वेश्चन फैक्टराइज। ट्वेल्व एम प्लस 75 एम की पावर 5 -60 एम। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। यस कैसे करेंगे इसको, क्या लिखा है यहाँ पे,
अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूंगा और m कॉमन निकाल लूंगा, 25m2 प्लस 4, एग्री? यस इसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5m2 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा है, और मिडिल टर्म क्या आना चाहिए, मिडिल मतलब बीच का टर्म क्या आना चाहिए, 2 × 5m2 × 2, क्या यही बन रहा है? देखो आपके पास पहले और आखिरी से बीच का टर्म आपको सोचना है, और वही अगर बीच का टर्म दिया है तो भाई सोने पे सुहागा, ठीक है ना, आपका काम बन गया। ये क्या लिखा हुआ है, 3m × 5m2 − 2 का होल स्क्वायर, डू यू अग्री? यस सर। नोट कर लेते, ठीक है ना, तो फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी की मदद से करना। सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो ये वाला? ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं पहले टर्म से आइडेंटिफाई करते हैं, इसका स्क्वायर है पता चला 5m2 का स्क्वायर, फिर हम दूसरे टर्म से आइडेंटिफाई करते हैं 4 × 2 का स्क्वायर है, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एंड 2 × 1st एंड 2nd, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया 2 × 1st एंड 2nd, हाँ बिल्कुल उसी से 20m2 आएगा, ठीक है ना? यस सर, क्लियर? यस सर, इट वाज क्लियर। क्वेश्चन देता हूँ मैं, एकदम नो क्वेश्चन। (121x²−22x+1) सर +1 है। सर 11x-1 वेरी नाइस, बहुत फाइन, करेक्ट, 11x-1 का होल स्क्वायर, ये तो लिखा है, यस इज इट क्लियर? यस किसी को डाउट है? यस सर, समझ आ गया सबको? इस एग्जाम में वो क्वेश्चन बताना मुझे कहीं पे अगर प्रॉब्लम जा रही सर है। सर पहले एक्सप्लेन कर दो। ये देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हम लोग पहले तो आइडेंटिफाई कहाँ से करेंगे, यहाँ से 121x2 किसका स्क्वायर है, 11x का होल स्क्वायर, 11x, फिर इससे हमें पता चलता है कि भाई 1 का स्क्वायर लिखा है, हम मिडिल टर्म गेस करते हैं, हम गेस करते हैं मतलब चेक करते हैं क्या होना चाहिए, तो 11x आना चाहिए था इसके हिसाब से और 1 आना चाहिए था इसके हिसाब से, तो नेट कितना आ गया, नेट कितना आया बीच का, 22x आया, कितना आया 22x आ गया, तो हमने बोला अरे यस सर, ये तो अपना पसंद का टर्म बन गया, 2² + b² − 2ab का फॉर्मूला लग गया सीधा सीधा, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ठीक है ना? यस सर, यस सर, एक और क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो आज का, फिर क्लास को कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना? यस सर, तो करोगे 2-3 क्वेश्चन और? सर XY-1 1 का होल स्क्वायर, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे, XY-1 वेरी गुड, मिल जाएगा XY-1 होल स्क्वायर, कैसे पता चला, पहला टर्म बताता है XY का स्क्वायर लिखा है, XY होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू XY इंटू 1 और बाद प्लस 1 स्क्वायर, यस ठीक है ना? ओके
चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फैक्टराइज फोर टाइम्स एम प्लस एन का होल स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन ठीक है ना आज का। चलो -28p एम प्लस एन प्लस 49p। सर 2 ब्रैकेट में एम प्लस एन -7p का होल स्क्वायर। यस लेट्स सी क्या लिखा है ये वाला। 2 टाइम्स n + n लिखा है होल स्क्वायर माइनस, इसको रहने दो, इसको पहले आइडेंटिफाई करो जो स्क्वायर्स है उनको आइडेंटिफाई करके हम मिडिल टर्म खुद सोच। 7p का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 टाइम्स n + n और ये आ जाएगा 7p। तो नेट कितना बन गया, यही बन गया जो चाहिए था। तो हम लोगों ने बोला हाँ यार ये तो 28m+n ही बना p टाइम्स, ये क्वेश्चन एक्चुअली यही था। इज इट क्लियर, ये आपका आंसर है, समझ गए आप? ठीक यस सर, यस सर। है, बस तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय।